नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ समस्याएं दिखाई थी जो हमारे प्लांट्स के साथ होती हैं, तो उनमें से कुछ समस्याएं हमारे दोस्तों के प्लांट के साथ भी हुई हैं, तो उन्हीं का समाधान लेके हम आज की वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे इनका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये समस्याएं ज़्यादा धूप की वजह से हो जाती हैं और पानी कम मिलता है उस वजह से हो जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्लांट की जो लीफ हैं वो ऊपर की साइड मुड़ जाती हैं, तो इससे हमें नुकसान भी होता है। यदि बारिश हो जाए तो इसके अंदर पानी होल्ड हो जाता है, और बारिश होने के बाद धूप निकलना ये तो लाजमी सी बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति कहाँ किसी की सुनती है, वो तो अपनी मर्जी से चलती है ना। तो दोस्तों, आपके प्लांट्स के साथ भी कोई भी समस्या होती है तो बेझिझक आप कमेंट करके हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। क्या पता हमारे सॉल्यूशन से आपका प्लांट फिर से तंदुरुस्त हो जाए, और यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ है ऊपर को मुड़ी हुई हैं, तो इनका मुड़ने का कारण मैंने आपको बता दिया था कि ये तेज़ धूप की वजह से हो जाती है। और दोस्तों, ये सिर्फ तेज़ धूप की वजह से ही नहीं होती है, यदि आपके रूट के नीचे कोई समस्या होती है तो इस वजह से भी इसकी जो लीफ होती हैं वो इस तरीके से मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो रूट्स होती हैं उनको भी आपको चेक कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि सिर्फ धूप ज़्यादा हो गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको छाया में रख दें और पता चले समस्या नीचे है। अब बिना रिपोर्ट किए या फिर बिना सोयल से बाहर निकाले हम कैसे पता करें कि हमारा प्लांट के नीचे कोई दिक्कत है भी या नहीं? तो जिस तरीके से मैं अपनी सोयल को उठा रहा हूँ और नीचे खोद रहा हूँ, तो आप भी इसको इस तरह से कुछ गहराई तक खोदिए। यदि आपकी नमी बनी हुई दिखती है कि नमी है, तो यानी कि प्रॉब्लम रूट्स में हो सकती है। लेकिन अभी कंफर्म कह नहीं सकते कि नमी है तो रूट में ही प्रॉब्लम है। अब नमी को एक्सप्लेन करते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो प्लांट है इसके जो पॉट के अंदर खूब सारी ये घास लगी हुई है। ये एक तरह से आयुर्वेदिक घास होती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके जो प्लांट हैं उसकी सारी एनर्जी खुद ही ले लेती है और प्लांट को कमज़ोर करने का ही काम करती है, तो इसको हमेशा हटाते रहना चाहिए। इसको क्या किसी भी घास को अपने पॉट के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट की जो एनर्जी है या फिर जो उसके विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद खाने लगती है। पहले मैं अभी ये घास हटा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो सोयल है वो चेक कराता हूँ। इस तरीके से आपको ये सोयल को हटाना है और आपको देखना है कि ये कितनी ड्राई है, क्योंकि देखिए ये पूरी ड्राई तो नहीं है। अगर पूरी ड्राई होती तो ये जो घास है ये भी सूख जाती, और सोयल को देख के लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा नमी है कि मेरे अडेनियम के रूट्स में कोई दिक्कत होगी। इसका मतलब तेज़ धूप का ही प्रकोप है। अब आप इस प्लांट को ही देख लीजिए, ये अडेंसोनिया दिहोद्री का प्लांट है और ये सबसे ज़्यादा गर्मियों में रहने वाला प्लांट है, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान का प्लांट है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी को ये झेल नहीं पाया। आप देख लीजिए, कल ही शाम को मैंने, ये दूसरा प्लांट है, कल ही शाम मैंने इन दोनों को पानी भी दिया था और इनके नीचे नमी भी है, लेकिन फिर भी ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमारे ओजोन लेयर कमज़ोर होने की वजह से ही बरसात के बाद भी इतनी तेज़ गर्मी शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पोर्तुलका का प्लांट क्यों दिखाया है, क्योंकि दोस्तों ये भी गर्मियों का ही प्लांट है और गर्मियों का प्लांट होने के बावजूद ये गर्मी झेल नहीं पाया। ये वही प्लांट है जिसको हमने कटिंग से लगाया था, तो आप देख रहे हैं ये अभी एक महीना भी नहीं हुआ है ये कितनी जल्दी ग्रो कर गया था। लेकिन अब इसकी स्थिति आज ऐसी लग रही है जैसे ये अगर इसको आज शाम को पानी ना दें तो ये डेड हो जाएगा। इसी बहाने मैंने आपको उस वीडियो का अपडेट भी दिखा दिया है कि हमने उस कटिंग को कैसे लगाया था और वो कैसे ग्रो कर रही है, क्योंकि आजकल शॉर्ट वीडियो तो चल नहीं रही है, तो हमने सोचा इसको इसी में आपको दिखा दिया जाए। अभी तक तो ये अच्छे से ही फल फूल रही थी, आगे चलकर ये क्या स्थिति बनाती है ये आगे देखने वाली बात होगी। ये हमने 3 साल पहले स्टैंड तैयार किया था, एक अपने घर पे खाली बोतलों का बनाया था,
उसके अंदर हमने पोर्तुलोगा की सीड उसी समय लगाई थी, 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गया है, और आज तक फिर मैंने दोबारा इसके अंदर कभी भी पोर्तुलोगा की कटिंग लगाई नहीं है। ये अपने आप हर बारिश में ग्रो कर जाती। अब इसको ही देख लीजिए, सफाई करते समय कुछ टुकड़े इस पॉट में गिर गए थे, वही ग्रो हो गए हैं। ये भी गर्मियों का ही प्लांट है, इसी वजह से मैंने आपको इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया था। अब आप चलते हैं, आप हमारा ये सीड पॉट देख रहे हैं, ये सीड पॉट थोड़ा सा मुड़ गया है, देख रहे हैं आप, थोड़ा धनुष की तरह हो गया है, तो ये तेज़ गर्मी की वजह से ही हुआ है। और दोस्तों, ये सिर्फ आप ही के प्लांट के साथ नहीं, हमारे प्लांट के साथ भी हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं, ये मेरा सुल्तान अडेनियम है, इसका नाम मैंने सुल्तान रखा हुआ है। वैसे ये थाईसोको की ही वैरायटी है, मतलब उसका हाइब्रिड है थाईसोको का। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी एक ब्रांच से कई सारी ब्रांच निकलती हैं, और ज़रा ज़रा सी दूरी पर ब्रांच ही ब्रांच रहती हैं। इसको मैं रिपोर्ट करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने इसको कुछ दिन पहले पानी देना बंद कर दिया था, लेकिन इसने अब अपनी स्थिति ये बना ली है, या तो जल्द से जल्द इसे रिपोर्ट करा जाए या फिर पानी दिया जाए। इस प्लांट को तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, और ये भी आज अपनी उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन की हमने उम्मीद लगाई थी, क्योंकि अचानक से टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसके अंदर हमने जो वाटरिंग करी थी वो आपको देखने को भी नहीं मिल रही होगी। इसको तो किसी छाया में रखना ही पड़ेगा, छाया में नहीं रखेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। नई रूट्स को जल्दी बनने के लिए नमी का होना बहुत ज़रूरी है। इतनी गर्मी में तो जो जड़ सहित पॉट में लगे हुए पौधे हैं वो झुलस गए, तो बेचारे की उसकी तो अभी जड़ भी नहीं आई है। यह आप देख रहे हैं, कैप्सिकम का पेड़ है, हरा भरा था, फल भी दे रहा था, और आज की डेट में आप देख रहे हैं इसकी क्या स्थिति हुई है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों, लगता है जून आने वाला है। दोस्तों, ओजोन लेयर को मजबूत करने का काम गार्डनर्स के अलावा तो और कोई कर नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी टेरेस पर इस तरह का एक फ्रेम बनवाकर उसके ऊपर ये ग्रीन नेट लगवा सकते हैं। और ग्रीन नेट में भी आपको किस तरह का ग्रीन नेट लाना है वो भी मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। ग्रीन नेट खरीदना भी कोई आसान काम नहीं है, इसमें भी कई सारी वैरायटी होती हैं। वैरायटी तो छोड़िए, अनुपात होते हैं। यदि सही अनुपात आपने चयन नहीं किया तो आपके प्लांट्स किस तरह के हैं और आप किस तरह का उसको छाया दे रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसकी भी आपको पहचान करा देते हैं। नेट खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सही जानकारी ना होने पर आप सही नेट खरीद नहीं पाएंगे, और सही नेट नहीं खरीद पाएंगे तो आप अपने प्लांट को सही तापमान भी नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा नेट हमारे प्लांट्स को सही तापमान देने में हमारी मदद करता है। तो जब भी आप इसको खरीदने जाएं तो काले धागे वाला ही नेट खरीद कर लाएं। इसके नीचे जो तापमान बनता है वो हमारा 30 से 32 या 35 डिग्री तक ही बनता है। और ये तो आप जानते ही हैं, हमारे अडेनियम को स्वस्थ तापमान जो मिलना चाहिए वो 32 से 33 या फिर 30 से 32 डिग्री तक ही मिलना चाहिए। दोस्तों, मेरा नेट भी बंदरों ने नष्ट ही कर दिया है, तो मुझे भी दूसरा ही लाना है। तो आप भी लेके आइए और मैं भी लेके आता हूँ। और अभी मेरा नेट नहीं है, तो मैंने ये जो सीडलिंग थी वो अपना नीचे रखी हुई थी पोर्च में, तो वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप देख रहे हैं, जो उस समय हमने इसको रिपोर्ट किया था ये काफ़ी हष्ट पुष्ट था, और अब ये कितना श्रिंक हो गया है। लेकिन ये अभी श्रिंक हुआ है, लेकिन अभी स्टार्टिंग इसकी जब होगी ग्रोथ करने की तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आप देख रहे हैं ना कि इसके लीफ अभी कितने हेल्दी हैं, यानी कि ये अभी अपनी स्टार्टिंग कर रहा है, क्योंकि हमने इसको रिपोर्ट किया था और बीच में एक दो दिन मैंने शायद इसको पानी भी नहीं दिया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। एक दो दिन क्या, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा दिन ही पानी नहीं दिया है इसको। और आप देख रहे हैं कि इसके लीफ अभी बने हुए हैं, ये सिर्फ इस वजह से बने हैं क्योंकि इसको जो टेम्परेचर मिल रहा है वो सही मिल रहा है। अगर ये छत पे होता तो अब तक ख़त्म हो चुका होता। अब आप देख रहे हैं, ये मेरी कैक्टस की सीडलिंग है, ये वही कैक्टस के सीड हमने जर्मिनेट किए थे, इसमें कुछ नए सीड भी जर्मिनेट हुए हैं, जो अभी नीचे गिरे हुए हैं वो नए सीड जर्मिनेट हुए थे, और जो ये स्टैंड है ये पहले हो गए थे, हमने इनको प्रॉपर स्टैंड कर दिया था। दोस्तों, अभी जो काले धागे वाला नेट मैंने आपको दिखाया, उस नेट के नीचे यदि आप कैक्टस के सीड जर्मिनेट करते हैं तो वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो टेम्परेचर होता है वो इनके हिसाब से एकदम अनुकूल होता है। कैक्टस
और अडेनियम के लिए या फिर डेजर्ट प्लांट के लिए ये जो काले धागे वाला नेट होता है सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसके नीचे 30 से 32 डिग्री का ही टेम्परेचर बनता है और यही टेम्परेचर इन प्लांटों को चाहिए होता है। और आप ये देखिए, ये वही सीडलिंग है जिसको हम बोल रहे थे कि ये थोड़ा येलोइश है, ये वेरीगेटेड हो सकता है। तो बाकी सब आप देख रहे हैं सभी ग्रीन है, सिर्फ वही एक येलो टाइप में है। तो दोस्तों, हमारा जो यदि प्लांट होता है उसको सही तरीके से टेम्परेचर और तापमान मिले तो नई नई प्रजातियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अभी आप इसको देखिए, ये वही सीड पोड है जो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। आप देख रहे हैं ना, उस समय इसकी कंडीशन अलग थी और आज इसकी कंडीशन थोड़ा अलग हो गई है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये झेलने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड हो गया और इसके बीच में से जो है थोड़ा दरार टाइप में भी बन गई है। तो क्या पता है ये भी हमारा नष्ट हो जाए उससे पहले हम इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे जो हमारा पोर्च है वहाँ पर टेम्परेचर 30-32 तक ही रहता है। हालाँकि वहाँ पर हवा का आवागमन कम है, लेकिन वहाँ पर प्लांट जीवित रहेगा। इस प्लांट को तो आप जानते ही हैं, इसको हमने रूट ट्रेंड बोनसाई बनाने के लिए ट्रेंड किया था और ये भी आप देख रहे हैं, ये ठीक चल रहे हैं। इनका कोडेक्स भी ठीक ठाक गोलाई में बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, लीफ थोड़ी इसकी कर्ल हो गई है। तो आप देख रहे हैं इसका कोडेक्स पहले से मुझे महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी मोटा है। और ये भी आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में है, आप भी देख लीजिए। क्योंकि ये भी टेरेस पे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो धूप पड़ती है वो मॉर्निंग की ही धूप पड़ती है और बाकी ये हमारा जो ये पोट है इस पोट की शेड में रखा है, तो इस वजह से इनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा नहीं और धूप इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई। तो दोस्तों, मेन समस्या हमारी ज़्यादा गर्मी की ही और तेज़ धूप की ही है, तो उसी से हमें बचाव करना है और नियमित रूप से अपने अडेनियम को पानी देना है। पानी देते समय ध्यान रखना है कि आपकी सोयल पानी को होल्ड करने वाली ना हो बस। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।